इन किसानों का मानना है कि ओल एक नकदी फसल है या अपने गुणों के कारण यह सब्जियों में एक अलग स्थान रखता है। इसकी खेती हल्के छायादार स्थानों में भी भली भांति की जा सकती है और बाजार में बिक्री की भी कोई समस्या नहीं है। जैसे ओल का खेती हम बहुत करीब 20 साल से कर रहे हैं, जिसमें एक किलो का भी अगर होता है तो 10 रुपया 15 रुपया बन जाता है। इससे ओल का खेती हम बहुत दिन से, इससे फायदा लाभदायक बहुत है, इसलिए जो इसका उपज बहुत ज़्यादा होता है, कट्ठा में 20 क्विंटल भी आ जाता है, इसलिए ओल पर हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं ध्यान देते हैं। इसका व्यापारी दरभंगा से भी आता है, यहाँ ले जाता है घर पर से भी, नहीं अगर व्यापारी आया तो दरभंगा पहुँचा दिए, अपने हाथ से भी वहाँ काटा करके बेचते हैं, खुदरा भी काट करके हम लोग बेच देते हैं। इसलिए सब्जी का भी खेती हम बम्पर करते हैं, गोभी बैंगन टमाटर हर चीज़ भी करते हैं, वो भी फायदेमंद है।